नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। पालघर के बाद अब नांदेड़ में साधु की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक साधु लिंगायत समुदाय के थे। एक महीने के भीतर धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी दूसरी हत्या से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की गवर्नेंस पर सवाल उठने लगे हैं। एक बार फिर महाराष्ट्र के नांदेड़ में दो संतों की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पूज्य सदगुरु शिवाचार्य गुरुजी के साथ उनके साथी को भी नांदेड़ के पास स्थित उनके ही आश्रम में मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस प्रशासन सब मौन है। मुंबई महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ द्वारा दो साधुओं की हत्या के एक महीने के बाद प्रदेश के नांदेड़ जिले में लिंगायत दो साधुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। साधु को उसके आश्रम में ही घुसकर से जान से मार दिया गया है। ऐसे में निरपराध साधुओं पर जानलेवा हमले को लेकर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दोनों घटनाओं पर नजर डालें तो ऐसा लगता है प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कानून का डर न होने की वजह से अपराधी बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। साधु संतों के हितैषी होने का दावा करने वाली शिवसेना अपनी ही सरकार में साधुओं की हत्या पर लगाम नहीं लगा पा रही है। नांदेड़ के मामले में हत्या आरोपी आश्रम में घुसकर दो संतों की हत्या की और फरार होने में कामयाब रहे। अपराध के कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक कोई आरोपी का पता नहीं लग सका है। पुलिस प्रशासन प्रदेश में ऐसी घटनाओं को रोकने में पूरी तरह विफल नजर आ रहा है। ध्यान देने बाद गौरतलब हो कि ये दोनों हत्याएं ऐसे समय में हुई जब देश भर में लॉकडाउन लागू है और लोग अपने घरों से बाहर निकलने पर मनाही है। लॉकडाउन में भी अगर ऐसे अपराध नहीं रोके जा पा रहे हैं तो सामान्य दिनों के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है। पालघर में संतों की हत्या के एक महीने बाद नांदेड़ में इन साधुओं की हत्या का मामला तूल पकड़ सकता है। एबी न्यूज पे अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। मिलते हैं नए सफर के साथ, लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करिए। धन्यवाद। नमस्कार।